Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter number 7 alternating current. So previous lecture mein humne dekha tha sabse important thing current through the resistor and alternating current through the inductor, alternating current through the capacitor aur iske saath hi humne dekha tha concept of inductive reactance and capacitive reactance. सो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर सर्किट में सपोज इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों साथ में लगे हों, ठीक है. अभी तक हमने इन्हें इंडिविजुअली पढ़ा है, पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने इंडिविजुअली पढ़ा था इसे. अब इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि सपोज किसी पर्टिकुलर सर्किट में ये तीनों कंपोनेंट्स इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर ये तीनों ही सीरीज में एक साथ लगे हुए हैं और इसके अक्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग EMF सोर्स लगाया हुआ है E. सो वॉट विल बी द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड EMF, ठीक है. और इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस. तो ये रिजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे. और इम्पॉर्टेंट इन पर्टिकुलर ऑल थ्री कंपोनेंट्स का कंबाइन जो अपोजिशन होगा इस करंट को, जिसे हम कहते हैं इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस क्या होगा उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की. So consider that the source of the alternating EMF is connected to a series combination of the inductor of the inductance L, resistor of the resistance R and the capacitor of the capacitance C. हम देख सकते हैं यहाँ पर एक source of alternating EMF E connected है किसके across में, inductor of the inductance L, capacitor of the capacitance C and resistor of the resistance R. और इन तीनों कंपोनेंट्स के जो रिस्पेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू है, इट मींस कि एल के अक्रॉस, इंडक्टर एल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम सपोज कह रहे हैं VL, कैपेसिटर सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम कह रहे हैं VC, या इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेटेड होगा दैट इज डिफाइंड बाय द VC, एंड रजिस्टर आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम डिफाइन कर रहे हैं VR से. सो ये इंडिविजुअल वोल्टेज हो गए अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स एल, सी एंड आर रिस्पेक्टिवली. और सपोज इस अल्टरनेटिंग EMF की वजह से जो इस करंट फ्लो होने वाली है इस सर्किट में उसे हम डिफाइन कर रहे हैं I से. सो लेट ई बी द ई एंड आई बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF एंड करंट इन द LCR सर्किट. इसे हम क्या कहेंगे, LCR सर्किट, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर L भी है, कैपेसिटर C भी है और रजिस्टर R भी है, इसलिए इसे कहा जाएगा LCR सर्किट. And VL, VC and VR be the instantaneous values of the voltages across the inductor L, capacitor C and resistor R respectively, जैसा कि अभी हमने देखा. अब अगर इन voltages की बात की जाए, it means VL, VC और VR की value की बात की जाए, तो देखिए ओम्स लॉ से हमें पता है voltage क्या होता है, current multiplied by resistance, current multiplied by resistance, ठीक है. So obviously इस resistor R के across जो voltage होगा VR, उसे तो हम very simply लिख सकते हैं, that is I इंटू आर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए करंट तो यहाँ से भी I ही फ्लो होना है, ठीक है. सेकेंड थिंग, अगर हम यहाँ पर बात करें कैपेसिटर की, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर की जो अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसे डिफाइन किया जाता है XC से, ठीक है. हमने पढ़ा था इसकी वैल्यू होती है 1/ωC, लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा है ये. सो ऑब्वियसली यहाँ पर VC की जो वैल्यू होगी हम लिख सकते हैं VC विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय इसकी अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक XC, ठीक है, ऑब्वियसली. और इसी तरह से अगर हम VL की बात करें, तो VL की जो अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक होगी उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे डिफाइन किया जाता है XL से, और इसकी वैल्यू होती है ωL. सो ऑब्वियसली यहाँ पर VL के लिए भी हम लिख सकते हैं VL इज इक्वल्स टू I इंटू XL. तो इस तरह से हमने देखा VL, VC और VR की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं VL इज इक्वल्स टू I इंटू XL, VAC इज इक्वल्स टू I इंटू XC और VR इज इक्वल्स टू I इंटू R. सो यहाँ से वोल्टेजेस की वैल्यू हमने निकाल ली, या फिर वोल्टेजेस की वैल्यू की करंट की इक्वेशन जो है हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, और हमें पता है यहाँ पर XL की वैल्यू कितनी होती है ωL, और XC की वैल्यू होती है 1/ωC, ये हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन E, VL, VC एंड VR, फाइनली अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन द ई, जो अप्लाइड EMF है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF है, VL, VC, VR इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF वोल्टेजेस है अक्रॉस द इंडक्टर L, कैपेसिटर C एंड रेजिस्टर R,
इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक फेजर डायग्राम यहाँ पर देखेंगे। देखिए फेजर डायग्राम किस तरह का होगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बेसिकली करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन नज़र आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप सिंपली देख सकते हैं, सपोज़ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्सिस के अलॉन्ग हम करंट कंसिडर कर रहे हैं करंट। तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर हम देखें तो सपोज़ हमने इनिशियलाइज़ किया है करंट से कि सपोज़ जो ईएमएफ हमने लगाया हुआ है अल्टरनेटिंग ईएमएफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से जो करंट फ़्लो हो रही है, सपोज़ आई, इनिशियली करंट आई फ़्लो हुई और उसके बाद वो एल, सी और आर से फ़्लो होगी। सो इसलिए हमने यहाँ पर इनिशियली एक्स एक्सिस पर कंसिडर किया हुआ है करंट की वैल्यू को। आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट की वैल्यू को हमने एक्स एक्सिस पर कंसिडर किया हुआ है। देन इसके बाद करंट जब फ़्लो होगी, सबसे पहले फ़्लो होगी करंट इंडक्टर एल से, इंडक्टर एल से जब करंट फ़्लो होगी तो ऑब्वियसली आपको याद आ रहा होगा हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि जब भी किसी इंडक्टर से करंट फ़्लो होती है सो वहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी एल, वो करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लीड करता है, करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लीड करता है, हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा है इसे। सो वी एल जो होगा, जो वी एल होगा वो फेज वाइज इस करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लीड करेगा। तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर फेजर डायग्राम में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये करंट की वैल्यू हमने बनाई हुई है या फिर करंट शो की हुई है आई, देन इस करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, लीड करेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया जाएगा इसे। सो यहाँ पर 90 डिग्री पाई बाई टू डिग्री से हम रोटेट करेंगे और पाई बाई टू डिग्री से जब रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस आ जाएगा, इस वाई एक्सिस पर हमने बना दिया वी एल, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने शो कर दिया वी एल। सो यहाँ पर करंट की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो वी एल है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वो 90 डिग्री लीड करता हुआ हमने यहाँ पर शो कर दिया। देन अब आप और आसानी से देख सकते हैं, अब करंट फ्लो होगा कैपेसिटर से, करंट फ्लो होगा कैपेसिटर से, तो कैपेसिटर के केस में जब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा या फिर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमने देखा था कि ये करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग करता है, 90 डिग्री लैग करता है पाई बाई टू से लैग करता है, मतलब कैपेसिटर में करंट आगे होता है लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है, तो पाई बाई टू से लैग करेगा, इसलिए इसे भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपली ये करंट की वैल्यू है, इस करंट की वैल्यू से 90 डिग्री लैग कर रहा है, लैग करेगा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे इस तरह से, तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस का नेगेटिव एक्सिस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने शो कर दिया वी सी, वी सी। सो ये वी सी क्या शो कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो 90 डिग्री लैग कर रहा है इस करंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमें हमेशा याद रखना है ये कॉन्सेप्ट कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लीड करता है और वोल्टेज के केस में कैपेसिटर के केस में वोल्टेज करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग करता है, जो कि यहाँ पर हमने शो कर दिया है पाई बाई टू से। अब इसके बाद करंट जो फ्लो हो रहा है कैपेसिटर के बाद, करंट जो गया वो कहाँ गया, सपोज़ गया है रजिस्टर आर में, और रजिस्टर आर के केस में हमने पढ़ा है कि जब भी किसी रजिस्टर आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमेशा करंट के फेज़ में ही होगा, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसका डेरिवेशन। सो रजिस्टर आर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी आर वो करंट के रिस्पेक्ट में बिल्कुल फेज़ में ही होगा, इसलिए जो करंट का एक्सिस है यहाँ पर आई, इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर वी आर भी आएगा, यहाँ पर हमने वी आर भी बना दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वोल्टेज वी आर को भी डिफाइन कर दिया है, वोल्टेज वी एल को भी डिफाइन कर दिया, वोल्टेज वी सी को भी डिफाइन कर दिया। अब हमें वी एल, वी सी और वी आर इन तीनों का रिलेशन कैलकुलेट करना है, वी एल, वी सी और वी आर इन तीनों के बीच का आपस में रिलेशन कैलकुलेट करना है। अब रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए लेट अस कंसिडर, सपोज हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर हमने किया कि सपोज वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी, वी एल की वैल्यू क्या है, वी सी से बड़ी है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर कंसिडरेशन हमें करना पड़ेगा, ऐसा कंसिडर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे एक ही क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा, वी एल, वी सी और वी आर को तीनों एक ही क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा, तभी हम इसका मतलब एक ही प्लेन में हमें लाना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसका रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। तो ऑब्वियसली हमने इस कंसिडर किया कि सपोज़ वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज़ ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वी सी, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर वी एल और वी सी
इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों देखो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, वी एल माइनस वी सी, और ऑब्वियसली वी एल बड़ा है इसलिए वी एल के डायरेक्शन में होगा वी एल माइनस वी सी, तो यहाँ से, और ये एक्चुअल वी एल से छोटा होगा इसलिए हमने एरो इसके नीचे लगाया हुआ है इसका। सो ये हो गया वी एल माइनस वी सी सपोज, ठीक है, ये हो गया वी एल माइनस वी सी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि वी सी को हमने छोटा माना है इसलिए इस वी सी का जो एरो है वो इस वी एल, वी एल किससे डिफाइन हो रहा है, ओ बी से, वी एल डिफाइन हो रहा है ओ बी से, वी सी डिफाइन हो रहा है ओ सी से, तो आप देख सकते हैं ओ सी की लेंथ इस ओ बी की लेंथ से छोटी है क्योंकि हमने कंसिडरेशन ये लिया हुआ है अभी फ़िलहाल। सो हालांकि वी सी भी बड़ा हो सकता है वी एल से, वो एक दूसरा कंसिडरेशन है, बट फिलहाल अभी हमारे डेरीवेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी एल की लेंथ बड़ी है, वी सी की लेंथ छोटी है, तो ऑब्वियसली ये क्योंकि हमने कंसिडर लिया है वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वी एल माइनस वी सी, और उसकी डायरेक्शन हमेशा बड़ी क्वांटिटी की डायरेक्शन में होगी, मतलब वी एल की डायरेक्शन में होगी, बट ये वी एल माइनस वी सी हमेशा वी एल से छोटा होगा, ये भी अंडरस्टूड है, इसलिए हमने इसका जो एरो है वो ओ डी को बनाया हुआ है यहाँ पर। ओ डी क्या डिफाइन कर रहा है, वी एल माइनस वी सी, जो ओ बी से ऑब्वियसली छोटा नज़र आ रहा है हमें। सो ये कम्प्लीट डायग्राम हमने फाइनली बना लिया। अब देखिए यहाँ पर जो हमें इस पर्टिकुलर प्लेन में अगर हम देखें ध्यान से, तो इस पर्टिकुलर प्लेन में हमें वी एल वी सी का इफेक्ट भी नज़र आ रहा है, वी आर का इफेक्ट भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये वी एल और वी सी, वी एल माइनस वी सी और वी आर, ऑब्वियसली इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये दो वेक्टर्स क्वांटिटी है, तो दोनों वेक्टर्स के लिए हम एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से एक वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया। सपोज़ कि ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट, ये क्या डिफाइन कर रहा है, ईएमएफ, जो हमने अप्लाइड ईएमएफ है, हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ है, सपोज़ उसे डिफाइन कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो अप्लाइड ईएमएफ होगा वो हमेशा इन तीनों का रिजल्टेंट ही होगा, जो जितने भी कंपोनेंट्स हम लगा कर रखते हैं उन कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, इनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो ये जो अप्लाइड ईएमएफ है वो इनके अक्रॉस ही हमें नज़र आता है। सो ऑब्वियसली इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा इसके बराबर होगा, वी एल वी सी और वी आर का जो इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल ही होगा, इसलिए यहाँ पर इनका जो रिजल्टेंट हमने ड्रॉ किया है वो रिजल्टेंट ई हमेशा क्या होगा, वी एल माइनस वी सी, और वी आर का जो रिजल्टेंट होगा वो ई से डिफाइन होगा। और सपोज़ यहाँ पर क्योंकि वी एल माइनस वी सी जो है वो पाई बाई टू से लीड कर रहा है और ये ज़ीरो डिग्री पर है, तो ऑब्वियसली इनके बीच का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एंगल होगा फाई, ठीक है, हमने सपोज़ फाई कंसिडर किया और कहा कि ई एम एफ जो होगा वो सपोज़ आई के रिस्पेक्ट में फाई एंगल पर होगा। सो ये कंसिडरेशन हमने यहाँ पर ले लिया है फेजर डाइग्राम से, तो काफ़ी सिंप्लीफाइड व्यू में हमारा ये फेजर डायग्राम हमें नज़र आ रहा है। तो एलसीआर सर्किट जब भी हम डिफाइन करेंगे तो इस तरह का फेजर डायग्राम बनाना और इस तरह का एलसीआर सर्किट को बनाना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है, तभी हम रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। सो अब इन कंटेनिंग इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग द आर ओनली वी आर एंड आई आर इन फेज विद ईच अदर, देयरफॉर सो इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग द आर ओनली वी आर एंड आई आर इन फेज विद ईच अदर, जैसा हमने देखा एक्स एक्सिस पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा था आई और वी आर फेज में थे, देयरफॉर बोथ द फेजर वी आर एंड आई आर रिप्रेजेंटेड बाय अलोंग द ओ एक्स, अभी हमने जस्ट देखा ओ एक्स के अलोंग हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, ओ एक्स एक्सिस पे ये अलोंग नज़र आ रहा है, ठीक। देन इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग द एल ओनली वी एल लीड्स I by the phase angle pi by 2 and likewise the phasor VL is represented along the OI. Clearly हमें दिख रहा है along the OI VL lead कर रहा है इस I के respect में pi by 2 angle से और वो हमें OB के along नज़र आ रहा है, ठीक है। Then finally in an AC circuit containing the C only VC lags behind the I by the phase angle pi by 2, therefore VC is represented along the OI. हम ये भी देख सकते हैं ओ आई डैश एक्चुअली दिस इज ओ आई डैश, सो फाइनली वी कैन से दैट हियर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ओ सी है, ओ सी इज बेसिकली यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, ओ सी या ओ आई डैश भी हम कह सकते हैं, ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर को शो कर रहा है और ये लैग कर रहा है, ये लैग कर रहा है किससे, ऑब्वियसली इस करंट आई से पाई बाई टू एंगल से। तो फाइनली हमने कंप्लीट फेजर डायग्राम समझ चुके हैं ऑलरेडी इसे। सो सपोज दैट ओ ए एंड ओ बी,
OA, OB and OC represents the magnitude of the phasor VR, VL and VC respectively. ठीक है, हमने बोल दिया OA, OB and OC ये मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं इस फेजर के, VR के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है OA, VC के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है OC और VL के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है OB, जैसा हमने अभी जस्ट देखा. सो सपोज इन केस VL इज़ ग्रेटर देन VC, हमने वही कंसिडरेशन लिया जो अभी हमने कहा था, VL इज़ ग्रेटर देन VC, देन OD रिप्रेजेंट्स VL माइनस VC. हमने देखा OD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, VL माइनस VC. द रिजल्टेंट ऑफ द VL एंड VC, फाइनली OE, द रिजल्टेंट ऑफ O एंड OD रिप्रेजेंट्स द E. हम देख सकते हैं फाइनली ये जो OD है और इस OA का रिजल्टेंट कौन शो कर रहा है, दैट इज़ E, और E इज़ बेसिकली इन फेज ऑफ द 5 degree विद रिस्पेक्ट टू द आई. सो यहाँ पर अब हम देखें तो एक ट्रायंगल हमें नज़र आ रहा है, हम एक ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं. फाइनली हमने जब ये फेजर डायग्राम बना लिया तो अब यहाँ पर हम एक ट्रायंगल अगर कंसिडर करें तो इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं, ये से हम बेस कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ हाइपोटेनियस. सो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं यहाँ पर OE square इज इक्वल्स टू OA square प्लस AE square. हम यहाँ पर लिख सकते हैं OE square इज इक्वल्स टू OA square प्लस AE square, और यहाँ से स्क्वायर हटाकर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, दैट इज हैज बिकम OA square प्लस AE square. और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं OE AE जो है उसकी वैल्यू कितनी है, OD के इक्वल है. सो फाइनली हम पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर AE की जगह OD. सो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. अब इस OA को अगर हम देखें तो ओ ए बेसिकली डिफाइन हो रहा है वी आर से. सो फाइनली वी कैन पुट हेयर ओ ए की जगह वी आर स्क्वेयर. ओ डी स्क्वेयर की जगह हम देख सकते हैं यहाँ पर ओ डी किससे डिफाइन हो रहा है, वी एल माइनस वी सी से. सो फाइनली वी कैन पुट हेयर वी एल माइनस वी सी का स्क्वेयर. सो ये एक इक्वेशन हमारे पास ई की आ गई. सो ये क्या शो कर रहा है, एक रिजल्टेंट शो कर रहा है, हमें रिलेशन शो कर रहा है जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड ई एम एफ ई, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर वी आर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर वी एल एंड वी सी. अब यहाँ पर अगर हम वी आर, वी एल और वी सी की वैल्यू को पुटअप कर दें, मतलब अभी जो हमने जो देखा था वी आर इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, वी एल इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स एल और वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी. सो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ वी आर, वी एल एंड वी सी. सो वी आर हैज़ बिकम आई आर, वी एल इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स एल एंड वी सी इज इक्वल टू आई एक्स स्क्वेयर. सो यहाँ से हम देखें अगर तो आई कॉमन दिख रहा है हमें, आई स्क्वेयर कॉमन निकल जाएगा यहाँ से. ठीक है, सो आई स्क्वेयर कॉमन आएगा तो फाइनली इसे स्क्वेयर रूट के बाहर रखेंगे, इट हैज़ बिकम द आई. अंदर क्या बचा, आर स्क्वेयर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर. ये फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई. सो ई इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर रूट ऑफ द आर स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर. यहाँ से अब अगर हम देखें सो आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. आई की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा, ये पूरा आ स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है ये चली आएगी डिनोमिनेटर में ई के. सो फाइनली वी कैन राइट हेयर आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर. सो द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एल सी एंड आर टू द ए सी इज कॉल्ड द इम्पिडेंस ऑफ द एल सी आर सर्किट. द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एल सी एंड आर टू द ए सी सर्किट इज कॉल्ड द इम्पिडेंस ऑफ द एल सी आर सर्किट. इफ जेड इज द इम्पिडेंस ऑफ द एल सी आर सर्किट देन आई इज इक्वल टू ई अपॉन जेड. वेरी सिंपल, जो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमें ये नज़र आ रहा है क्लियरली, देखिए आई इज इक्वल टू क्या है, ई अपॉन ये क्वान्टिटी. ऑब्वियसली हमें पता है कि आई की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. ठीक है, करंट की वैल्यू होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. मतलब यहाँ पर ये इस इक्वेशन से ये अंडरस्टूड है कि भाई नीचे वाली जो क्वांटिटी है, वोल्टेज के डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो कोई रेजिस्टेंस टाइप की क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी ना किसी करंट का अपोजिशन करेगी. और ऑब्वियसली ये जो अपोजिशन है वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस की वजह से नज़र नहीं आ रहा हमें, वो अपोजिशन हमें नज़र आ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से भी. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा एल सी आर सर्किट है उस एल सी आर सर्किट का कंबाइन अपोजिशन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि उसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं एल सी और आर, वो तीनों का अपोजिशन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है इस पर्टिकुलर टर्म में. सो इस कंबाइन अपोजिशन को या फिर इस इक्विवेलेंट अपोजिशन को या फिर इस इफेक्टिव अपोजिशन को जो एक एसी सर्किट में हमें दिखेगा जहाँ पर एलसी और आर कंपोनेंट्स लगे होंगे, उसे हम कहते हैं इम्पीडेंस. यहाँ पर एक और वर्ड आ गया, इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट.
इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट, और इसे हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। सो इसलिए हमने यहाँ पर इस वैल्यू की जगह पुटअप कर दिया कैपिटल Z। सो Z हैज़ बिकम Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, या हम इस XL की जगह पुटअप कर सकते हैं ओमेगा L, XC की जगह पुटअप कर सकते हैं 1 बाय ओमेगा C स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन है ये इम्पीडेंस की इक्वेशन है। अगर हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के, सो ऑब्वियसली इस इक्वेशन का यूज़ करके हम इम्पीडेंस कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं बात कर रहा था करंट और इम्पीडेंस, करंट और EMF में एक पर्टिकुलर एंगल भी है यहाँ पर, अगर हमें एक एंगल भी नज़र आ रहा है, ठीक है, एक फेज़ भी नज़र आ रहा है, फेज़ डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो इस फेज़ डिफरेंस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए सपोज़ हमने कंसिडर किया यहाँ पर टेन थीटा या टेन फाई, हम इस ट्रैंगल में हम टेन फाई ले लें, टेन फाई। तो टेन फाई क्या होगा, टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए, और ए किसके इक्विवेलेंट है, ओ डी के, और बेस हो गया ओ ए के इक्वल। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेन फाई इज इक्वल्स टू हो गया ए ई अपॉन ओ ए, ए ई अपॉन ओ ए, और ए ई किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल, जो है वी एल माइनस वी सी। सो वी कैन पुट हेयर वी एल माइनस वी सी अपॉन ओ ए की वैल्यू वी आर, वी एल वी सी की जगह हमने पुटअप किया आई एक्स एल आई एक्स सी, और वी आर की जगह पुटअप किया आई आर। सो फाइनली आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर से आई कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर वाले आई से कैंसिल आउट होगा। सो फाइनली यहाँ पर हम देख सकते हैं टेन फाइव हिज बिकम XL माइनस XC अपॉन R। ये फाइनली एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, और XL XC की वैल्यू भी अगर हम यहाँ पर पुटअप करें तो ओमेगा L माइनस वन अपॉन ओमेगा C अपॉन R। सो यहाँ पर हम यहाँ से फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, द फाई इज एंगल बिटवीन द EMF अप्लाइड EMF एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो इक्वेशन गिव्स अ फेज एंगल फाई विच अल्टरनेटिंग EMF लीड्स द करंट इन केस ऑफ द XL ग्रेटर देन XC इन द LCR सर्किट। ठीक है, अब ऑब्वियसली सी बात है बड़ा सिंपल सा कॉमन सा टर्म्स है ये, अगर 10 फाई की वैल्यू को अगर हम देखें, और क्लियरली हम बोल रहे थे कि VL की वैल्यू ज़्यादा है भाई VC से, तो ऑब्वियसली ओमेगा L की वैल्यू ज़्यादा होगी 1 बाय ओमेगा C से। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो टर्म है वो क्या आनी है, पॉजिटिव टर्म आनी है, और पॉजिटिव टर्म कब आ रही है, जब VL इज़ ग्रेटर देन VC। सो इससे रिलेटेड कुछ तीन कंसिडरेशन हम ले सकते हैं यहाँ पर। पहला लिया हमने सपोज़ ओमेगा एल इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन ओमेगा सी, ये वही वाली कंडीशन है जो भी हम ले रहे हैं, सपोज़ ओमेगा एल इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन ओमेगा सी। ये कब हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमें कब मिल सकती है, व्हेन वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी। ठीक है, तभी हमें मिलेगा ओमेगा एल इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन ओमेगा सी। सो यहाँ पर इस केस में टेन फाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और टेन फाई की वैल्यू हमेशा जब भी पॉजिटिव होगी तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से पाई बाई टू के बीच में होगी। हैंस इन सच ए केस EMF लीड्स द करंट। आप देख सकते हैं इस केस में, जो केस हमने अभी कंसिडर भी किया हुआ है, इस केस में हमें क्लियरली दिख रहा है कि करंट और EMF में EMF करंट से लीड कर रहा है फाइव डिग्री से EMF लीड कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा वाला केस है, व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, या फिर इसे हम कहें ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 बाय ओमेगा सी, ये वाले केस में। ठीक है, सो इस केस में यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि EMF जो होगा, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF होगी, वो हमेशा करंट की वैल्यू से क्या करेगी, लीड करेगी 5 डिग्री से। और इस केस में जो 10 फाई होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने की वजह से वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेकंड कंडीशन, सपोज अगर ऐसा होता ओमेगा एल इज़ लेस देन ओमेगा सी, अगर यहाँ पर ऐसा होता ओमेगा एल इज़ लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, सो इस केस में क्या होता, इस केस में ये क्वांटिटी हो जाती नेगेटिव, क्योंकि देखिए 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब ओमेगा एल इज़ लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो ऑब्वियसली ये न्यूमरेटर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और न्यूमरेटर नेगेटिव जब होगा तो टेन फाई की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू फिर लाई करेगी जीरो से माइनस पाई बाई टू के बीच में, जीरो से माइनस पाई बाई टू के बीच में, मतलब यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में। फिर इस केस में क्या होगा, जो हमारा EMF होगा वो यहाँ पर कहीं पर हमें मिलेगा, यहाँ कहीं पर मिलेगा, क्योंकि इस केस में हमने मान लिया है ये ओमेगा एल इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी जब हमने माना है, तो ऑब्वियसली इस केस में अब वी सी यहाँ पर कोई जो होगा ग्राफ, जो अभी हमने यहाँ पर वी एल माइनस वी सी कंसिडर किया था, ये वेक्टर यहाँ ना होकर यहाँ कहीं होगा, और वो होगा वी सी माइनस वी एल,
और उस केस में फिर हम रिजल्टेंट जो होगा वो इस क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करेंगे। इस क्वाड्रेंट में जब कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑब्वियसली जो फाई की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, निगेटिव। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें क्लियरली दिखेगा कि भाई ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि वन बाय ओमेगा सी इज़ ग्रेटर देन ओमेगा एल, सो ये हो जाएगा निगेटिव। तो फाई की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, निगेटिव। ऑब्वियसली निगेटिव इट मीन्स कि जीरो से माइनस पाई बाई टू के बीच में कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। सो उस केस में जो ईएमएफ होगा वो इस तरह से यहाँ पर हमें कहीं नज़र आएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका जो फिर एंगल होगा इस तरह से फाई यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, ये निगेटिव ईएमएफ होगा। सो व्हेन द ओमेगा एल इज़ माइनस ओमेगा सी, इट फॉलोज दैट द टेन फाई इज़ निगेटिव एंड द फाई इज़ निगेटिव बिटवीन जीरो से माइनस फाई बाई टू, हैंस सच ए केस ईएमएफ लैग्स बिहाइंड द करंट। हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ईएमएफ जो होगा वो करंट से लैग करेगा बाय द फाई डिग्री। एक और इम्पॉर्टेंट केस होता है, सपोज व्हेन ओमेगा एल इज़ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी, थर्ड केस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसे हम आगे और पढ़ेंगे। सपोज कि अगर ओमेगा एल इज इक्वल टू हो जाए ओमेगा सी, अगर ऐसा कुछ होता है सपोज, सो व्हाट विल बिकम ओमेगा एल इक्वल टू द वन अपॉन ओमेगा सी, इन दिस केस यहाँ पर ये हो जाएगा ज़ीरो और फाइनली हमें मिलेगा यहाँ पर टेन फाई की वैल्यू ज़ीरो। सो इन दिस केस फाई हैज़ बिकम द ज़ीरो, तो फाई की वैल्यू ज़ीरो हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट जो ईएमएफ है हमारा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट, इसके बीच का एंगल हो गया ज़ीरो। मतलब इस केस में कब, जब ओमेगा एल विल बी इक्वल टू द वन बाय ओमेगा सी, एक्स एल इज इक्वल टू ई सी, वी एल इक्वल टू वी सी, ये सारी कंडीशंस बोल रहा हूँ मैं एक साथ। इस केस में कौन सी कंडीशन, जब वी एल इक्वल टू हो जाए वी सी के, ठीक है, ओमेगा एल इक्वल टू हो जाए वन बाय ओमेगा सी के, एक्स एल इक्वल टू हो जाए एक्स सी के, ये सारी कंडीशन एक ही है, ठीक है, एक ही कंडीशन है तीनों। ऑब्वियसली इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में फाई की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। फाई की वैल्यू ज़ीरो हो गई मतलब एंगल बिटवीन द ई और आई इनके बीच का एंगल हो गया ज़ीरो। मतलब इस केस में अब ये जो ईएमएफ होगा वो यहाँ पर ही इस एक्सिस पर ही लाई करेगा ई, ठीक है, यहाँ ही पर ई होगा, यहीं पर आई होगा, ऑब्वियसली इसी एक्सिस पर वो लाई करेगा। सो ये कंडीशन काफ़ी स्पेशल कंडीशन है, इस कंडीशन को कहा जाता है कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, स्पेशल कंडीशन। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, अगर इस कंडीशन में अगर हम इम्पीडेंस की वैल्यू देखें तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, मैंने आपसे कहा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये तो क्वान्टिटी ज़ीरो, क्या बचेगा, जेड इज इक्वल टू आर। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें पूरे सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा वो सिर्फ एक रजिस्टिव एलिमेंट आर के इक्वल हो जाएगा, और यही कंडीशन कहलाती है कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। सो फ्रॉम द इक्वेशन फॉलो द टेन फाई इज जीरो, फाई इज जीरो, हैंस सच ए केस करंट और ई एम एफ आर इन फेज विद ईच अदर। सो देखिए मैंने इसे कहा, वेन ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा सी, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स जस्ट इक्वल टू आर मिनिमम। इस केस में जो इम्पीडेंस होगा वो किसके, आर के इक्वल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स द एल सी आर सीरीज सर्किट विल बिहेव इज ए प्योरली रजिस्टिव सर्किट, और जब प्योरली रजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा, सो ड्यू टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, है ना, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा, रजिस्टिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो करंट इन द एल सी आर सीरीज सर्किट विल बी मैक्सिमम एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ए रिजोनेंस। सो द स्टूडेंट्स आर, सो ये कंडीशन को कहा जाता है रिजोनेंस की कंडीशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एल सी आर सर्किट का कॉन्सेप्ट। अब सर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो भी देखते हैं हम लोग। सो एक कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 100 माइक्रो फैरड एंड अ कॉइल ऑफ द रेजिस्टेंस 50 ओम एंड इंडक्टेंस 0.5 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, ठीक है। एक कैपेसिटर दिया है जिसका कैपेसिटेंस 100 माइक्रो फैरेड है, हमने देखा, उसको सबसे पहले फैरेड में कन्वर्ट करते हैं, माइक्रो फैरेड है इसलिए 10^-6 से मल्टीप्लाई किया, फाइनली इसका जो रिजल्टेंट आएगा 10^-4। और क्या कहा, कॉइल का रेजिस्टेंस 50 ओम है इसलिए हमने आर की वैल्यू यहाँ पर लिखी 50 ओम, एंड इंडक्टेंस दिया हुआ है एल की वैल्यू 0.5 हेनरी हमें क्लियरली दिया हुआ है, इन सीरीज विद द 110 50 हर्ट्ज सोर्स, मतलब ई की वैल्यू हमें दे दी है यहाँ पर, जो वोल्टेज है वो है एक्स 110 वोल्ट और एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी है 50 हर्ट्स। हमसे कहा है कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, आरएमएस वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है करंट की। अब यहाँ पर जब भी हमें वैल्यू की बात की जाएगी, आरएमएस वैल्यू की बात की जाएगी, तो एक्चुअली ये समझ में आना चाहिए यहाँ पर
कि जो हमें वोल्टेज दिया हुआ है ये एक्चुअली आरएमएस वैल्यू ही है यहाँ पर, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज ये जो वोल्टेज की वैल्यू दी जाती है हमें 110 वोल्ट, क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अल्टरनेटिंग करंट है यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ के साथ में लिखा हुआ है ये, मतलब ये अंडरस्टूड है कि अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी और अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी की जो भी वैल्यू दी जाती है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है। सो यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आएगा कि भाई अगर आरएमएस वोल्टेज मुझे दिया हुआ है, ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर आरएमएस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो रिलेशन क्या होगा, आरएमएस करंट इज इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, क्योंकि यहाँ पर तो एलसीआर तीनों लगे हुए हैं इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो हमें ये इम्पीडेंस सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा, तो इम्पीडेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है एलसीआर सर्किट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्सएल क्या हो जाएगा, 2πfL, एक्सी हो जाएगा 1/2πfC का स्क्वायर। सो फाइनली हम यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं, आर की जगह हमने पुट अप किया 50 स्क्वायर, 2πf की वैल्यू हमने पुट अप की यहाँ पर 50 हर्ट्स, एंड एल की वैल्यू हमने 0.5 हेनरी यहाँ पर पुट अप कर दी, और देन -1/2π। तो एफ़ की वैल्यू यहाँ पर हम देखें अगर, सो एफ़ की वैल्यू 50 हर्ट्स अगेन हमें दी हुई है, और सी की वैल्यू यहाँ पर हमने 10⁻⁴ कैलकुलेट करके लिखी हुई है। सो फाइनली हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट अप कर दी। अब जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, सो फाइनली आफ्टर द कैलकुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन सामने आपको नजर आ रहा है, फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड दैट इज इम्पीडेंस इक्वल्स टू 134.86 ओम। 86 ओम फाइनली हमारे पास ये इम्पीडेंस की वैल्यू आ चुकी है। सो इस इम्पीडेंस की वैल्यू जब आ गई और फाइनली हमारे पास आर एम एस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ई एम एफ भी हमें दिया हुआ है 110 वोल्ट। सो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एयर, आई वी इज इक्वल्स टू ई वी बाई जेड, सो फाइनली ई वी इज इक्वल्स टू 110, जेड इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड 134.86 ओम। हमने वैल्यू जैसे ही पुट अप की फाइनली हमें आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट यहाँ पर मिल गई 0.816 एम्पियर। सो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल से हमने फाइनली करंट की वैल्यू और ख़ास तौर से इम्पीडेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीख लिया। अब चलिए हम बात करते हैं रेजोनेंस कंडीशन की। मैंने जैसा अभी कहा जस्ट कि अभी हम जो सीरीज़ एलसीआर सर्किट का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने रेजोनेंस की कंडीशन सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो सबसे लास्ट वाली जो कंडीशन देखी ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी, वहाँ पर हमने देखा मैंने ओमेगा एल और ओमेगा सी जब हो जाता है तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इसे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कहा जाता है। तो अब इस रेजोनेंस कंडीशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। सो देखिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इन द एलसीआर सर्किट नॉर्मली गिवन बाय आई इज इक्वल्स टू ई बाय जेड, है ना। नॉर्मल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इन द एलसीआर सर्किट जो दी जाती है आई इज इक्वल टू ई बाय जेड, और जेड की वैल्यू अभी हमें पता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन हमारे पास, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो ओमेगा एल है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस और 1 बाय ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और इनकी जो वैल्यूज़ है वो ओमेगा पे डिपेंड कर रही है। एल और सी पे तो डिपेंड करती ही करती है, लेकिन साथ में ओमेगा पे भी डिपेंड करती है। ओमेगा पे डिपेंड करती है मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। सो इट फॉलोज दैट इन द एडिशन टू द वैल्यूज ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स आर एल एंड सी आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट इन द एल सी आर सर्किट डिपेंड्स अपॉन द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा ऑफ द ए सी सोर्स। इट इज़ बिकॉज वैल्यूज ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेज ओमेगा एल एंड 1 बाय ओमेगा सी चेंजेज विद द चेंज इन द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज होगी जब ओमेगा की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। सो वेन द ओमेगा इज लो, जब ओमेगा की वैल्यू कम होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कम होगी तो ओमेगा एल की वैल्यू कम होगी, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा। ओमेगा की वैल्यू कम होगी तो 1 बाय ओमेगा सी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। इसका अपोजिट अगर हम देखें, ओमेगा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो ओमेगा एल की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन ओमेगा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो 1 बाय ओमेगा सी की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो रहा है। फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्वियसली इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई एक तो पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू होगी जब ये दोनों बराबर होंगे, है ना। मतलब अगर मैं सिंपल वे में बात करूं इस तरह से कि सपोज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर ओमेगा एल की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एक्स एल की वैल्यू बढ़ रही है, साथ में क्या हो रहा है, एक्स सी की वैल्यू यहाँ पर कम हो रही है, एक्स सी की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। सो
ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा होगा जब XL और XC की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जब XL धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, XC धीरे धीरे कम हो रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों एक जैसे होंगे, XL इज इक्वल टू XC हो जाएंगे इस पॉइंट पर, XL इज इक्वल टू XC हो जाएंगे, और ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी स्पेसिफिक, जिसे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा, F0, ठीक है। सो यहाँ पर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उसी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने वाले हैं। सो फाइनली हम कह सकते हैं, एट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ओमेगा जीरो एल इज इक्वल्स टू 1/ω0c। सो एट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स से ओमेगा जीरो, द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम जस्ट इक्वल टू ईच अदर, ओमेगा जीरो एल इक्वल्स टू 1/ω0c। सो एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो, अभी यहाँ पर ये जो F0 है, इस F0 को हम कहेंगे फ्रिक्वेंसी नॉर्मल, और ऑब्वियसली इस F0 से रिलेटेड जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा जीरो, वो हो जाएगी 2π F0, ठीक है। फाइनली तो हम यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, सो एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो इम्पिडेंस ऑफ द LCR सर्किट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जो जेड एट द ओमेगा जीरो होगा R0, जहाँ जहाँ पर ओमेगा है वहाँ वहाँ पर हमने ओमेगा जीरो पुट अप कर दिया इस जेड की इक्वेशन में, जेड की इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर ओमेगा था वहाँ वहाँ पर ओमेगा जीरो पुट अप कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जेड कैलकुलेट कर रहे हैं एट द स्पेसिफिक एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा जीरो पर। और ऑब्वियसली अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ओमेगा जीरो पर ओमेगा जीरो एल और 1/ω0c बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया XL और XC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर XL क्या होगा, XL की वैल्यू है 1/ω0c, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है आपको। और XL की वैल्यू कितनी है भाई, XL की वैल्यू यहाँ पर है ओमेगा जीरो एल, तो ओमेगा जीरो एल और ओमेगा जीरो सी अगर बराबर हो रहे हैं इस सिचुएशन में, तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों हो गए जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट, फाइनली बचेगा क्या, √R² और उसका जो रिजल्टेंट आएगा R। सो हमें यहाँ पर जेड एट द ओमेगा जीरो क्या मिल जाएगा, R। सो थस व्हेन द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज इक्वल टू द ओमेगा जीरो, द इम्पिडेंस ऑफ द LCR सर्किट इज मिनिमम। ये जो इम्पिडेंस होगा ये मिनिमम वैल्यू है इम्पिडेंस की, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट दिख रहा है हमें R, ऑब्वियसली ये क्या शो कर रहा है, जेड की मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है। और जब इम्पिडेंस मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली इम्पिडेंस जब मिनिमम होगा तो जब डिनोमिनेटर मिनिमम है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। सो मेयरली इक्वल टू द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सो व्हेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो द वैल्यू ऑफ द करंट इन द LCR सर्किट विल बी गिवन बाय E/Z एट ओमेगा जीरो, और एट ओमेगा जीरो जेड की वैल्यू है R, इसलिए यहाँ पर इस केस में I की वैल्यू हो जाएगी E/R, ठीक है। ये फाइनली इक्वेशन हमें मिल गई करंट की इन केस ऑफ द रिजोनेंस, रिजोनेंस की कंडीशन हम बोलते हैं इसे, रिजोनेंस कंडीशन। सो व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी of the AC source is equal at omega 0, when the angular frequency of the AC source is equal to the omega 0, the RMS value of the current in the LCR circuit becomes maximum। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो value होगी ये क्या होगी, maximum value होगी, ये होगी maximum value, ठीक है। So further it resonance, इसे हम क्या कहते हैं, resonance की condition, omega 0 L 1/ω0c के जब इक्वल हो जाए इसे हम कहते हैं रिजोनेंस की कंडीशन। सो फर्दर एज एट द रिजोनेंस ओमेगा जीरो एल इज इक्वल्स टू 1/ω0c, देयरफॉर टेन फाई एंड हैंस फाई इज इक्वल्स टू जीरो। अभी जस्ट हमने इसके पहले जब देखा कि अगर ओमेगा जीरो एल और 1/ω0c अगर इक्वल हो जाए तो फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। सो थस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो द करंट एंड EMF आर इन फेज विद ईच अदर, ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फेज में होंगे, ठीक है। सो ए सीरीज LCR सर्किट विच एडमिट्स मैक्सिमम करंट करेस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो ऑफ द AC सोर्स इज कॉल्ड द रिजोनेंट सीरीज रिजोनेंट सर्किट, ठीक है, एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो इज कॉल्ड द रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो एक सीरीज LCR सर्किट, ऐसा LCR सर्किट जो मैक्सिमम करंट एडमिट करता है किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर, उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को कहा जाएगा रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और उस सीरीज LCR सर्किट को कहा जाएगा सीरीज रिजोनेंट सर्किट, सीरीज रिजोनेंट सर्किट, क्योंकि उस वक्त रिजोनेंस की कंडीशन होगी, उस सर्किट में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की करंट फ्लो हो रही होगी जिसकी वजह से ओमेगा जीरो एल और 1/ω0c बराबर हो जाएंगे, और ऑब्वियसली उस केस में वहाँ पर उस सर्किट का ओवरऑल इम्पिडेंस कम हो जाएगा जिसकी वजह से उस करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर उस LCR सर्किट को कहा जाएगा सीरीज रिजोनेंट सर्किट।
सो वेन द रिजोनेंट टेक्स प्लेस इन द सीरीज एल सी आर सर्किट द फॉलोइंग फाउंड्स टू होल्ड इन द सर्किट, जो अभी हमने तीन कंडीशन देखी थी उसे हम देखते हैं एक बार और. एट द रिजोनेंस ओमेगा जीरो एल इक्वल्स टू वन बाई ओमेगा जीरो सी, है ना. देयर फोर फाइव टेन फाइव में फाइव बिकम्स जीरो. थस वेन द रिजोनेंस टेक्स प्लेस इन द सीरीज एल सी आर सर्किट द करंट एंड ई एम एफ आर इन फेज विद ईच अदर, हमें पता है कि रिजोनेंस की कंडीशन में करंट और जो ई एम एफ होगा उसकी वो कैसे होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बिल्कुल फेज में होंगे, उनके बीच का फेज एंगल फाइ जीरो होगा. द इम्पिडेंस ऑफ द सीरीज एल सी आर सर्किट बिकम्स मिनिमम, हैंस द करंट बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है. एंड द करंट इन द सीरीज एल सी आर सर्किट अटेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई आर, दिस डिपेंड्स ओनली अपॉन द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है. सो यहाँ से अब देखिए इस सिचुएशन से हम यहाँ पर एक और कंडीशन देख सकते हैं कि क्योंकि ओमेगा जीरो एल इज इक्वल्स टू वन बाय ओमेगा जीरो सी, ठीक है. इस अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, यहाँ पर अगर हम फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहें, ओमेगा जीरो एल इज इक्वल टू सपोज वन बाय ओमेगा जीरो सी, यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए ये हो जाएगा ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाय एल सी, ठीक है. यहाँ से ओमेगा जीरो की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी. तो ये हो गई रिजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा जीरो, किस कितनी वैल्यू होगी इसकी, वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ द एल सी. और यहाँ से भी हम देख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं टू बाय एफ जीरो इज इक्वल टू वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी. सो यहाँ से हम एफ जीरो की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट हैज़ बिकम टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ द एल सी. सो यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली रिजोनेंट की सिचुएशन में और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी देख ली. सो इफ एफ जीरो इज अ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग टू द रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो, देन एफ जीरो विल बिकम वन अपॉन टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी. सर सो कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, ये एफ जीरो इज कॉल्ड बेसिकली क्या, व्हाट कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, इसे भी हम कंडीशन ऑफ रिजोनेंस कहेंगे और इसे भी हम कंडीशन ऑफ रिजोनेंस कहेंगे कि अगर आपको रिजोनेंस की कंडीशन लेकर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अप्लाइड ईएमएफ है या फिर अप्लाइड ईएमएफ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को इतना सेट करना पड़ेगा एफ जीरो, और एफ जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एल और स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द सी यहाँ पर लगाने होंगे. सो वी कैन से दैट एफ एफ इज इक्वल्स टू एफ जीरो द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम एंड हैंस द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल बिकम मिनिमम. सो फॉर द वैल्यूज ऑफ द एफ लेस देन द ग्रेट और ग्रेटर देन एफ जीरो कंपेरेटिव स्मॉल करंट फ्लोज इन द सर्किट. फाइनली हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर अगर ग्राफ को अगर हम फॉलो करें, देखिए अगर यहाँ पर हम एक ग्राफ बना दें, ये ग्राफ सपोज फ्रिक्वेंसी को डिफाइन कर रहा है, ये वाला ग्राफ सपोज करंट को डिफाइन कर रहा है, तो हम ये पाएंगे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ जीरो पर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ जीरो पर हमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, इसके पहले और इसके बाद में हमेशा करंट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, डिक्रीज्ड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इम्पीडेंस बढ़ जाएगा. सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है. किसी भी पर्टिकुलर ऐसा सर्किट जहाँ पर एल सी और आर लगा होता है, हमेशा हम चाहते हैं कि वहाँ पर वो अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे, मैक्सिमम आउटपुट दे, और मैक्सिमम आउटपुट हमें रिजोनेंस की कंडीशन में ही मिलता है. तो इस कंडीशंस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, इस लिहाज से ये कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल में. एक कैपेसिटर ला ए 5 ओम रेजिस्टर एंड 101.5 मिली हेनरी इंडक्टर आर प्लेस्ड इन द सीरीज, ठीक है. ये सीरीज में लगे हुए हैं और 50 हर्ट्ज की सपोज फ्रीक्वेंसी है. तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ़ द करंट इज ऑब्जर्व इन द फेज विद द वोल्टेज, ठीक है. हमें एक दिया एक सर्किट है, उसमें रजिस्टर लगा हुआ है, उसमें इंडक्टर लगा है, एंड देन वो एक कैपेसिटर भी है, ये एक सीरीज़ में लगे हुए हैं, ऑब्वियसली सीरीज एलसीआर सर्किट हो गया, और उसके अक्रॉस जो हमने सो ईएमएफ सोर्स लगाया हुआ है वो 50 हर्ट्ज का है, ठीक है. सो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, हमें कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैलकुलेट करना है. इफ़ द करंट इज ऑब्जर्व इन फेज विद द वोल्टेज, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें कहा है कि इफ़ द करंट इज ऑब्जर्व इन फेज विद द वोल्टेज, देखिए यहाँ पर हमें वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी तो बड़ा डाउटफुल केस हो गया, लेकिन जब हमने लास्ट में पढ़ा कि भाई इफ़ द करंट इज ऑब्जर्व इन द फेज विद द वोल्टेज, तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि भाई करंट और वोल्टेज जो है दोनों सेम फेज में है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर रिजोनेंट की कंडीशन है, और रिजोनेंट की कंडीशन में क्या होता है, ओमेगा एल इज इक्वल टू वन बाय ओमेगा सी.
तो बस क्लियरली यहाँ पर हमें ओमेगा को हम 2πf अगर लिखें तो हमें एफ़ की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू भी दी हुई है, हमें सी कैलकुलेट करना है तो हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स पुट द वैल्यूज ओनली, ओमेगा की जगह 2πf² L, हमने वैल्यू पुटअप की फटाफट और फाइनली हमें ये आंसर मिल गया 100 माइक्रोफेरेड। तो देखिए काफ़ी सिर्फ एक लाइन ने जो है हमारे डाउट को क्लियर कर दिया और फाइनली हमने फटाफट इसे बड़ा सिंपल वे के अंदर सॉल्व कर लिया। सो दिस वाज अवर लेक्चर अबाउट द सीरीज LCR सर्किट एंड रेजोनेंस कंडीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे 2 से 3 बार इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।